खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। मुरैना जिले की कैलरस जनपद की ग्राम पंचायत तिजौजरी के ग्राम बरीपुरा में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसका भंडारा आज ग्राम बरीपुरा में आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र के कई हजार समाज बंधु एवं क्षेत्रीय भक्तगण उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और इस गांव के लिए आने वाले मार्ग के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए अपने मत से देने की घोषणा की। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत तिलौजरी के सरपंच श्री भूप सिंह धाकड़ के द्वारा किया गया था, जिसमें कथावाचक पंडित कृष्णकांत शर्मा ने अपनी अमृत वाणी से 7 दिवस तक भगवत कथा का रसपान कराया। इस कार्यक्रम के क्षेत्र के अन्य जन प्रतिनिधिगण भी उपस्थित हुए। इससे पारिवारिक संबंध है, निश्चित तौर पर ये सब लोग बड़े अच्छे हैं। मैं इनसे काफी प्रेरणा ले रहा हूँ और आज मैं भी इस पद पर पहुँचा हूँ। इस गांव का त्रिवेणी का और पूरे मेरे आसपास के इलाकों का बड़ा योगदान रहा है। कमल जैसे गरीब का बेटा एक ऐसे महंगाई के समय में मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो एक संवैधानिक पद है उसका सदस्य बना हो, इसमें आप सब लोगों की बड़ी भूमिका रही है। मैं आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझ जैसे गरीब के बेटे को चुनकर के मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजा है। जिस आशा विश्वास और भरोसे के साथ आप लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा है, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ साहब, तो मैं आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। आप लोगों ने जो मुझसे उम्मीदें लगा रखी है, मैं निश्चित तौर पर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और आप लोगों का जो भी काम हो, 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले रहते, मैं कोई बहुत बड़े घराने से नहीं हूँ। आप मेरी अच्छी तरह से सब कुछ जानते हैं कि मेरी औकात और हैसियत क्या है, ये किसी से छुपी नहीं है। 24 घंटे में हमेशा समाज की सेवा करता रहता हूँ और आप लोगों से अनुरोध कर देना चाहता हूँ कि एक बार मुझे सेवा का अवसर दें ताकि मैं धन्य हो जाऊँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग निश्चित तौर पर मुझे सेवा का मौका देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद। कैलारस से राजेंद्र सिंह धाकड़ की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।